गदर अच्छी मूवी है, मतलब देख सकते हैं, एवरेज एवरेज या थोड़ा उससे ऊपर पकड़ सकते हैं, बहुत बेटर नहीं है। फर्स्ट टाइम जो वो पहली मूवी थी 2001 की, वो बहुत बेस्ट थी। सनी देओल का थोड़ा एज हो गया, हाँ एज हो गया, इसकी वजह से क्या है वो जज्बा नहीं देख रहे, फिर भी वो चिल्लाते हैं तो मजा आता है। हैंडपम्प उखाड़ने का भी शॉट है उसमें, लेकिन उखाड़े नहीं है, उखाड़ने से पहले पब्लिक डर जाती है, भाग जाते हैं लोग, मतलब अच्छा है। रिपीट वैल्यू में नहीं आएगी ज्यादातर, लेकिन अच्छी मूवी है। फिल्म में लव स्टोरी के पीछे सब कुछ हुआ था, लव स्टोरी इमोशन पहले में बहुत जबरदस्त था, इसमें बाप बेटे का इमोशन है, लेकिन इतना कनेक्ट जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाया। तो वन टाइम वॉच ठीक है, वन टाइम वॉच भी आप देख भी सकते हैं, रिपीट भी। सनी देओल के फैन है तो बार बार देखिए। और उत्कर्ष खन्ना का ज्यादा रोल है थोड़ा सनी देओल से, तो मतलब सही मूवी है। एक साथ में से कितना दोगे आप? 3/5 मूवी, मतलब बहुत लंबे टाइम से वेट था। गदर हमने वापस से जब रिलीज हुई थी तो देखी, उसके बाद से और ये था कि यार जल्दी से स्टोरी देखने के, हमें कैसे स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, बट वो देखा और सरप्राइजिंगली बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है। तो जो मतलब स्टोरी दिखाया है, बाप बेटे का प्यार, हस्बैंड वाइफ का प्यार, अमेजिंग। वन के सामने मतलब खड़ा होता है, बिल्कुल खड़ा होता है। और सनी देओल का परफॉर्मेंस तो लाजवाब होगा ही। सनी देओल तो सनी पाजी है, तो यार अपने सनी पाजी है। उनके आसपास जो भी एक्टर्स है, मुझे उत्कर्ष का काम, हाँ मुझे उत्कर्ष का काम काफी अच्छा लगा। और जैसा कि वो इमोशनल एक बैकग्राउंड था कि बाप बेटे का जो दिखा रहे, बहुत अच्छा लगा। दोनों सनी पाजी ने तो ऑब्वियसली बचपन से हम सनी पाजी के फैन रहे, लेकिन उत्कर्ष का काम देख के वो लगा कि हाँ सनी पाजी के सामने मतलब बहुत अच्छे से उसने अपना कैरेक्टर किया है। हैंडपंप का सीन मजा आ गया, मैंने वो रिकॉर्ड किया, मैं शेयर भी करूंगा सोशल मीडिया पे। तो 5 में से कितना दोगे आप? मैं 4.5। गदर 2 जब से एडवर्टाइजमेंट चालू हो गई ना जनवरी से, लगभग सब पेपर में आने लग गया, 11 अगस्त, तो माइंड में सेट हो गया था कि 11 को और कोई काम नहीं करना है, सबसे पहले पिक्चर देखना है। फर्स्ट फिल्म के सामने खड़ी हो पाती है? फर्स्ट फिल्म जो गदर 1 थी, हाँ, उसके सामने ये खड़ा, देखिए उसी को कंटिन्यू किया है। फर्स्ट फिल्म में जो लव स्टोरी थी अमित शाह और सनी देओल की, उसी को कंटिन्यू किया है। बच्चा छोटा था, अभी बच्चा बड़ा हो जाता है और वो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट फिल्म में बहुत सारे ताली मार, सीटी मार, इसमें भी ताली मार, सीटी मार सब कुछ है, एक्साइटमेंट खूब है। और हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का जब नारा लगाता है तो पब्लिक एक्साइटेड हो जाती है और सीटी बजाती है, ताली मारती है, सब कुछ होता है इसमें भी। यानी कि कहने की बात यह कि सनी देओल के फैंस के अलावा बाकी पब्लिक को भी मजा आएगा। सनी देओल के फैंस अभी 20-21 साल बाद ही, 22 साल बाद आया तो 100% मजा तो आएगा ही, लेकिन स्टोरी लाइन ऐसी बताई है हिंदुस्तान पाकिस्तान की कि हर भारतीय को इसमें मजा आना ही चाहिए। तो 5 में से कितना दोगे? 5 में से 3.5 स्टार दूंगा।